हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि आप हेयर स्ट्रेटनर की हेल्प से आपके हेयर को कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत ही जरूरी बात शेयर करना चाहती हूँ कि फैब्रिक आयरन की हेल्प से कभी भी आप बालों को स्ट्रेट मत कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये आपके बालों को तो जला सकता है, साथ में आपकी बॉडी को भी जला सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक अच्छा सा हेयर स्ट्रेटनर खरीद लीजिए, वो आपको 15,000 से 2,000 तक मिल जाएगा। तो ये वाला काम आप बिल्कुल भी मत कीजिए, प्लीज़। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हम हेयर स्ट्रेटनर की हेल्प से हेयर को स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगारो कंपनी का फ्लैट आयरन यूज़ कर रही हूँ। आप आपकी पसंद का कोई भी आयरन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे अनलॉक कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने 1500 रुपये में ऑनलाइन ख़रीदा है। अगर आपको भी ख़रीदना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगी। तो हेयर स्ट्रेट करने से पहले आपको सारे टैंगल रिमूव कर लेने चाहिए ताकि हेयर स्ट्रेट करने में हमें आसानी रहे। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात कि जब भी आप हेयर स्ट्रेट करते हो उससे पहले आपको हेयर वॉश करना ज़रूरी है, तो ये बात बिल्कुल भी मत भूलिए। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी टोनी एंड गाय का हेयर प्रोटेक्शन मिस्ट। और गाइस, ये बहुत ही ज़रूरी है, ऑलवेज़ हेयर स्ट्रेट करने से पहले आपको हेयर प्रोटेक्शन मिस्ट यूज़ कर लेना चाहिए। अगर आपके पास ये ना हो तो इसकी जगह पे आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं पूरे बालों में अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरे बाल स्ट्रेट करते टाइम डैमेज ना हो जाए। और हाँ, मैंने आपसे बहुत सारे वीडियो में भी शेयर किया है कि आप डेली हेयर स्ट्रेट मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ख़राब तरह से हमारे बालों को डैमेज करता है। तो आप मंथ में 1-2 बार हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं मेरे बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिक है, इसलिए मुझे ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आपके बाल इतने ज़्यादा थिक ना हो तो आप क्राउन सेक्शन में भी बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बालों को डिवाइड करने के बाद एक साइड के बाल को मैं क्लेचर की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी, ताकि एक साइड के बाल स्ट्रेट करते टाइम ये हमें डिस्टर्ब ना करे। अब मैं यूज़ करूँगी ये वाला कॉम, जिसे बोलते हैं टेल कॉम। ये मैंने क्लब फैक्ट्री से परचेज किया है। अगर आपको ख़रीदना है तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगी। तो ये कॉम की हेल्प से हमें पार्टीशन करने में आसानी रहेगी। जितने बाल हमें स्ट्रेट करने हैं उतने बाल मैं निकाल लूँगी, और दूसरे जो बाल है उसे क्लेचर की हेल्प से मैं सिक्योर कर लूँगी। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप एक हाथ में इस तरह से स्ट्रेटनर पकड़ लीजिए और एक हाथ में टेल कॉम, और आप इस तरह से बालों को कॉम करते जाइए और स्ट्रेट भी करते जाइए। ये वाले प्रोसेस करने से आपके बाल स्ट्रेट भी जल्दी होने लगेंगे। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले कि आपके बाल पूरी तरह से स्ट्रेट हो गए हैं, तब तक आप आपके हेयर स्ट्रेटनर को इस तरह से स्वाइप करते रहिए। इस तरह से मैं पूरे बालों में सेम प्रोसेस करूँगी। एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी। अगर आप जब भी बालों को स्ट्रेट करते हो तो आपके बालों में से कुछ स्टीम जैसा निकलने लगे तो आप इसे तुरंत रोक दीजिए। ऐसा इसलिए होता है कि आपके बाल वेट होते हैं, तो सबसे पहले आप आपके बालों को अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। अगर आप वेट हेयर में ही स्ट्रेट करते रहोगे तो आपके बाल ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज हो जाएंगे। और मेरी दूसरी टिप ये है कि आप जब भी फ्लैट आयरन पिक करते हो तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपके फ्लैट आयरन में टेम्परेचर एडजस्ट करने का ऑप्शन हो, और आपको आपके बालों के टाइप के हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेना चाहिए। और हाँ गाइज, आप जितने छोटे छोटे सेक्शन में आपके बालों को स्ट्रेट करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये वाला जो फ्लैट आयरन है वो काफ़ी अफोर्डेबल भी है और ये बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बाल बैक साइड से अच्छी तरह से स्ट्रेट नहीं हुए हैं तो आप इसे मिरर में देख के स्ट्रेट कर लीजिए। मेरे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा थिक है, इसीलिए मुझे पूरे बाल स्ट्रेट करने में कम से कम 1/2 से 1.5 घंटा लग जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बालों को डेली स्ट्रेट नहीं करती हूँ, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। तो आप भी ध्यान रखिए कि आपको भी डेली स्ट्रेट नहीं करना है। अगर आप कहीं पार्टी में जाने वाले हो, कहीं फंक्शन में जाने वाले हो, तो ही आप बालों को स्ट्रेट कीजिए, और ये आपके बालों में 3 दिन तक आराम से रहेगा अगर आप बालों को पानी से दूर रखोगे तो। ओके, तो मेरे पूरे बाल अच्छी तरह से स्ट्रेट हो चुके हैं।
उसके बाद मैं यूज़ करूँगी सीरम। सीरम यूज़ करना भी बहुत ही ज़रूरी है, तो इसे मैं मेरे पूरे लेंथ में और एंड में अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरे बाल स्मूथ और शाइनी लगे। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, सिल्की और शाइनी लग रहे हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, और मैंने आज आपसे वीडियो में जितनी भी टिप्स शेयर करी है वो आप जरूर ध्यान में रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह एक लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।